सो हे गाइस यार, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है, Xiaomi अपनी लेटेस्ट Redmi Note 9 Pro 5G सीरीज को लॉन्च करने वाला है, या फिर कहें तो Redmi Note 9 सीरीज का 5G वेरिएंट चाइना में लॉन्च करने वाला है Xiaomi। और यहाँ पर आपको बता दूँ, यही जो सीरीज चाइना में लॉन्च होगी इंडिया के अंदर या फिर कहें तो ग्लोबली रिब्रांड की जाएगी अपकमिंग Redmi की अगली सीरीज Redmi Note 10 सीरीज होगी। और अगर आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसी Xiaomi Redmi Note 10 सीरीज की कि इंडिया में कब लॉन्च होगी, किस प्राइस में लॉन्च होगी और क्या कंप्लीट फीचर्स और स्पेसिफिकेशन देखने को मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपके लिए लेके आ चुका हूँ इस अपकमिंग नोट 10 सीरीज की कंप्लीट डिटेल। प्राइस कितनी हो सकती है, लॉन्चिंग कब तक हो सकती है इंडिया के अंदर, और फीचर्स और स्पेसिफिकेशन तो खैर सभी के सभी लीक हो ही चुके हैं। तो यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं इसी अपकमिंग नोट 10 सीरीज की सबसे पहले फर्स्ट लुक से। तो पहले पहले बता दो आपको, आज यहाँ पे एक नया लुक लीक हुआ है और ये अपकमिंग रेडमी नोट 9 सीरीज या फिर अपकमिंग नोट 10 सीरीज का फर्स्ट लुक है। पीछे में आपको सर्कुलर रिंग के अंदर चार कैमरे देखने को मिल रहे हैं, और कमाल की बात यहाँ पे यह है कि इसके अंदर 108 एमपी का प्राइमरी सेंसर होने वाला है। और ये बहुत से लोग के मन कन्फ्यूजन है कि जो 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा ये आपको नोट 10 प्रो में होगा या फिर प्रो मैक्स में होगा। तो ये आपको प्रो मैक्स जो हायर वेरिएंट इंडिया में होने वाला है, वो प्रो हो या फिर प्रो मैक्स हो, जो भी हायर वेरिएंट होगा उसके अंदर 108 एमपी का आपको प्राइमरी सेंसर देखने को मिलने वाला है। यहाँ बात करें इस फोन के फर्स्ट लुक के बारे में सबसे पहले, तो इसमें आपको पीछे में देख सकते हैं ग्लॉसी बैक पैनल आपको देखने को मिल रहा है, ड्यूअल टोन कलर है हल्का लाइट पिंक, और आपको ड्यूअल मिक्स कलर आपको पीछे में देखने को मिलने वाला है। सेंटर में आपको सर्कुलर रिंग के चार कैमरे हैं, और आपको फ्रंट में एक सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है पंच होल कटआउट के अंदर सेंटर में, जो कि माथे की बिंदिया के जैसे दिखने में लग रहा है, और बड़ी सी डिस्प्ले रहने वाली है। एक दुख भरी बात हो सकती है या फिर निराशा भरी बात हो सकती है कि नोट 10 सीरीज भी एमोलेड पैनल के साथ नहीं आएगा। जी हाँ, हमें रियलमी 7 सीरीज में देखने को मिलता है एमोलेड पैनल, लेकिन अभी भी आपको नोट 10 सीरीज में भी Xiaomi एमोलेड पैनल नहीं देगा। यह जरूर है कि आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलने वाला है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ इस बार आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। पिछले बार आपको 90 हर्ट्ज के साथ थी, लेकिन इस बार आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली आपको LCD पैनल देखने को मिलने वाली है, जो कि फुल HD प्लस की होगी 6.5 इंच की, और 240 हर्ट्ज की आपको टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलने वाली है। यहाँ बात करें इस फोन के कैमरे के बारे में, तो इस बार एक अच्छी बात है कि आपको कैमरा थोड़ा इम्प्रूव होगा अभी तक के पिछले Xiaomi के जो भी Redmi सीरीज के अंदर फ़ोन आए हैं। यहाँ पे इस बार Xiaomi आपको टेलीफोटो लेंस भी ऐड करने जा रहा है, जो एक अच्छी बात है, क्योंकि आपको सिंपल सा एक 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल दे देता है, उसके बाद 2-2 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ सेंसर देता है, तो मज़ा नहीं आता कैमरा, मेन सेंसर ही जो होता है वो होता है। लेकिन इस बार टेलीफोटो लेंस होगा, ये एक अच्छी डील लग रही है। और यहाँ पे आपको सेकेंडरी सेंसर टेलीफोटो लेंस होगा, आपको बाकी एक मैक्रो डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिलने वाला है, प्राइमरी 108 मेगापिक्सल का सेंसर होने वाला है। बैटरी की बात करें तो बता दो आपको, जो चाइना में जो प्रो 5G सीरीज होने वाली है नोट 9 प्रो 5G सीरीज, उसमें 6000 mAh की बैटरी होगी। तो 6000 mAh बैटरी जो होगी, तो यहाँ पे इंडिया में जो नोट 10 प्रो मैक्स फोन आएगा उसके अंदर आप मान सकते हैं कि 6000 mAh की बैटरी होगी। बाकी जो भी नोट 10 प्रो नोट 10 होगा उसके अंदर आपको 4850 mAh की बैटरी देखने को मिलने वाली है, और साथ में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। यहाँ OS और UI की बात करें तो Android 10 पे फोन आएगा और लेटेस्ट MIUI 12 की लेयर देखने को मिलने वाली है। यहाँ बात करें इसके चिपसेट और रैम स्टोरेज के बारे में, तो आपको कमाल की बात है कि आपको इस बार Note 10 सीरीज 5G में देखने को मिल सकती है, और Snapdragon 750G आपको इसमें देखने को मिलने वाला है, तो शायद एक ग्रेट डील होगी। लेकिन मेरे हिसाब से नोट 10 सीरीज में 5G की जरूरत अभी बिल्कुल नहीं है, खासकर इंडिया के लिए, क्योंकि जो चाइनीज कंपनी है 6-6 महीने में अपने अपग्रेड करती रहती है फ़ोन को, और शायद हो सकता है नोट 10 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो इस साल, तो आपको आने वाले 6 मंथ बाद यानी कि अगले साल जून तक आपको नोट 11 सीरीज लॉन्च हो जाए, तो मेरे हिसाब से आने वाले 1-1.5 साल तक 5G का भी इंडिया में कोई मार्केट नहीं है, तो इस हिसाब से 5G सीरीज इंडिया में लॉन्च करना कोई खास बड़ी बात नहीं होगी। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इंडिया में दो ऑप्शन जरूर Xiaomi रखने की कोशिश करेगा, एक 5G और एक नॉन 5G, और अगर आप लेने के बारे में सोचेंगे तो अभी 5G की तरफ पैसे बर्बाद न करें, सिर्फ आपके पैसे की बर्बादी है। अगर आप सिर्फ इंडिया में यूज करना चाहते हैं, अगर आप ग्लोबली जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली 5G ले सकते हैं, क्योंकि बाहर अवेलेबल हो चुकी है बहुत सारी कंट्री में, लेकिन इंडिया में अभी 5G का कोई मार्केट नहीं है। तो ऐसे में Xiaomi को Redmi Note 10 सीरीज के अंदर 5G देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेकार में जो आपको 18,000 का फ़ोन होने वाला होगा उसकी कीमत बढ़ा के Xiaomi आपको 22,000 21,000 20,000 रख देगा, तो बस एक वेस्ट ऑफ मनी होगी नोट 10 सीरीज के अंदर, मेरा ये कहना है। बाकी आपका क्या कहना है वो बता सकते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस पर आपको 5G फ़ोन देखने को मिलने वाला है, शायद नोट 10 सीरीज में से कोई एक फ़ोन होगा, और एक नॉन 5G भी होगा डेफिनेटली, उसमें अब कौन सा चिपसेट होगा ये अभी कहना थोड़ा मुश्किल है।
यहाँ बात करें इसके रैम स्टोरेज की, तो फोन 8GB रैम के साथ आएगा और साथ में इसके 64 और 128 वाले वेरिएंट देखने को मिलने वाला है। तो ये कंप्लीट डिटेल होने वाली है अपकमिंग रेडमी नोट 10 सीरीज की। फाइनली लॉन्चिंग की बात करें तो मैंने आपको शुरू में बताया था फोन आपको दिसंबर के लास्ट में लॉन्च होने की उम्मीद बताई जा रही है। 27 तारीख को चाइना मिल जाएगी ये सीरीज, उसके बाद हाथों हाथ एक डेढ़ हफ्ते के अंदर ये फ़ोन इंडिया के या फिर ग्लोबल मार्केट के अंदर रीब्रांड करके इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो दिसंबर के लास्ट में इसकी लॉन्चिंग होने वाली है, क्रिसमस के आसपास इसकी लॉन्चिंग होगी। और जहाँ तक बात रही इसकी प्राइसिंग की, तो प्राइस इसका जो बेस रेंट होगा वो अगर नोट 10 प्रो मैक्स की बात करें तो आपको 19,000 के आसपास देखने को मिलने वाला है। 8G वाला वेरियंट शायद 20,000 के आसपास हो, और जो आपको नोट 10 प्रो होगा वो आपको 16-17 हज़ार के आसपास देखने को मिलने वाला है। और हायर वेरिएंट अगर 5G के साथ आता है तब तो भैया इसकी प्राइसिंग मेरे हिसाब से 20,000 के ऊपर जा सकती है। यहाँ पे वैसे मेरा Xiaomi से एक ही कहना होगा कि 5G ना दे कि आपको AMOLED पैनल दे दे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि 5G का भी इंडिया में कोई मार्केट नहीं है। और हो सकता है जब तक 5G आए तब तक Redmi की Note 12 सीरीज चल रही हो इंडिया के अंदर, ये पॉसिबल है। तो Note 10 सीरीज के अंदर 5G लेना कोई मतलब वाली बात नहीं रहेगी, वेस्ट ऑफ मनी है अगर आप सिर्फ इंडिया मार्केट के हिसाब से देखें तो। बाकी आपका कहना है कमेंट में बता सकते हैं, अभी तक देखते लाइक उन्हें कहीं नहीं जाए, चैनल सब्सक्राइब कर लें और ऐसी धमाकेदार अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत।